नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर इस वक्त हम सोलन से आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप सोलन की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और सभी दर्शकों को आज का दिन शुभ हो, यह भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और ललिता रोयत जी का स्वागत है और लोन बशीर जी का भी स्वागत है और मुजामिल बशीर जी का भी इस वक्त पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जबरदस्त ठंड सुबह और शाम के वक्त तो पड़ी रही है, बल्कि दिन के समय में अधिकतम तापमान अब गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश में अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर न्यूनतम तापमान भले ही 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा हो, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तुलना में निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान काफ़ी कम है। यदि हम बात शिमला की करें तो शिमला में की तुलना में सोलन और मंडी जिला में तापमान न्यूनतम तापमान कम है और इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान इस वक्त 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास जरूर चला हुआ है, लेकिन निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान पहाड़ों से नीचे चल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट का क्रम लगातार जारी है और राज्य में अधिकतम तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में अब ठंड पड़नी शुरू हो गई है। जो मैदानी क्षेत्र जहाँ पर दिन के समय का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था अक्टूबर के अंत तक, वह अब 27 और 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। मौसम विभाग की माने तो 22 नवंबर तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। किसी तरह का मौसम में बदलाव होने की संभावना फिलहाल अभी नहीं है। अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान का आकलन किया जाए तो शिमला में न्यूनतम तापमान अधिक बना हुआ है और निचले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान काफ़ी कम है शिमला की तुलना में। यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला में अधिकतम तापमान इस वक्त 20.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शिमला में न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस है। प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और मुजामिल बशीर जी की तरफ से हमें जानकारी आई है कि कश्मीर में 20 नवंबर तक मौसम ठीक रहेगा, तो कश्मीर में 20 नवंबर तक मौसम ठीक रहेगा तो हिमाचल प्रदेश में 22 नवंबर तक मौसम ठीक रहने की संभावना है। और राजेंद्र कुमार जी लाहौल स्पीति से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और गीतू ठाकुर जी का भी स्वागत है और गवास्कर नेकी जी का भी हम स्वागत करते हैं जो हमारे साथ इस पंजाब केसरी के मौसम बुलेटिन में हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन में धूप निकली हुई है और सूर्य का उदय हो चुका है, पहाड़ों पर धूप आप देख सकते हैं। और मुजामिल बशीर जी बता रहे हैं 26 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा कश्मीर में मौसम 26 नवंबर तक बिल्कुल साफ रहेगा। मुजामिल बशीर जी की तरफ से हमें यह जानकारी मिली है। यशपाल कश्यप जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं और दर्शकों से आग्रह भी रहेगा। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं और आशा शर्मा जी हमारी नियमित दर्शकों में से एक है और उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सभी तक इसकी सूचना मिल सके। और गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो शिकारी देवी कामरू नाग में आज मौसम साफ है, धूप खिली है और प्रातःकालीन वंदन जी और आपको भी वंदन जी। और सोलन की यह तस्वीर है इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और हम न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की बात कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का तापमान इस वक्त बना हुआ है तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जिस तरह से शिमला में न्यूनतम तापमान इस वक्त सुरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर बलबीर ठाकुर जी हमारे साथ बद्दी से इस वक्त जुड़े हैं, अमरोटी वाला से जाड़माजी से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं बलबीर ठाकुर जी का। और चमन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सुंदरनगर की बात करें तो सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान इस वक्त 7 डिग्री सेल्सियस है, जबकि शिमला का न्यूनतम तापमान 9.3 है। सुंदरनगर
शिमला की तुलना में गोपाल सैनी जी का भी स्वागत है। शिमला की तुलना में कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और वहाँ पर तापमान इस वक्त 7 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान भले ही वहाँ पर ज़्यादा है 27.5 है, भुंतर में 4.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है और 25 डिग्री अधिकतम तापमान है। कल्पा में 26.6 है और 2.6 है और 17.1 अधिकतम तापमान है। धर्मशाला में 11.4 है और अधिकतम तापमान 24.5 है। ऊना में न्यूनतम तापमान इस वक्त 9 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। ऊना में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और 30 डिग्री सेल्सियस से आ गया है, लेकिन न्यूनतम तापमान पर नज़र दौड़ाई जाए तो ऊना का न्यूनतम तापमान शिमला से कम है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हम बता रहे हैं कि पहाड़ों की तुलना में निचले क्षेत्रों में जिसमें कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा इस वक्त ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है। और नाहन की बात करें तो नाहन का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम 23.9 डिग्री सेल्सियस है। केलांग का 1.3 है और अधिकतम 13.9 है। सोलन का अधिकतम न्यूनतम तापमान 7.4 है, अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी ने हमें हमीरपुर की जानकारी दी है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं कि हमीरपुर में इस वक्त मौसम साफ है और प्रदेश में इसी तरह का मौसम 22 नवंबर तक रहने की उम्मीद है। और सोलन का हम न्यूनतम तापमान बता रहे थे कि 7.4 है, अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस है। मनाली में 3.4 है और अधिकतम 16.8 है। कांगड़ा में 9.6 है, अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस है। मंडी में 6.8 है और 24.6 है। तो मंडी में भी न्यूनतम तापमान इस वक्त शिमला से काफ़ी कम है। चंबा में 8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम 25.2 है। डलहौजी में 9.7 और अधिकतम 16.2। कुफरी में 7.7 और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है तो पहाड़ों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में निचले क्षेत्र जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और कृष्ण दत्ता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और वो हमारे अपडेट की तारीफ भी कर रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक सटीक जानकारी दी जाए कि मौसम की किस तरह की इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मौसम रहने वाला है। तो 22 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब मैदानी क्षेत्रों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप लोग अपने ठंड से बचाव का ध्यान भी रखिए, ख्याल रखिए कि ठंड से जो बचाव के साधन होते हैं उन्हें अपनाएं, गर्म कपड़े पहने, घर से बाहर निकले, क्योंकि अब मौसम लगातार बदलता जा रहा है। और जिस तरह से शिमला का न्यूनतम तापमान की हमने बात की तो 9.3 डिग्री सेल्सियस है, तो शिमला से कम इस वक्त जो न्यूनतम तापमान है, ऊना में भी न्यूनतम तापमान शिमला से कम है, सोलन में भी है, मंडी में भी है, इस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम बना हुआ है। बारिश का अभी तक तो कोई संभावना 22 नवंबर तक नहीं लग रही है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है और मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है। लेकिन हिमाचल अगर अब देश की बात की जाए, देश के मौसम की, तो इस वक्त जो चिंताएं बनी हुई है वो बंगाल में बनी हुई है। जिस तरह से विधि चंद्र शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और विधि चंद्र शर्मा जी का स्वागत है। दर्शन जी हमारे साथ इस वक्त धर्मशाला से जुड़े हैं और उनका स्वागत है और बता रहे हैं कि मौसम धर्मशाला का इस वक्त साफ है। दर्शन जी से हमें यह जानकारी मिली और देश में किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ है, तो मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे गहरे दबाव का क्षेत्र शनिवार यानी आज चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है, जिसका मौसम पर भी असर देखने को मिलेगा। यदि मौसम विभाग की माने तो आज जिस तरह से दबाव वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बन रहा है लगातार, तो चक्रवाती तूफान वहाँ पर हो सकता है। और दीपावली के बाद देश के में तापमान की लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और देश की राजधानी दिल्ली में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज तापमान यानी आज शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि वीरवार को तापमान वहाँ पर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस था और
बुधवार को अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। कल बुधवार को वहाँ पर दिल्ली में काफ़ी ठंडा दिन दर्ज किया गया है और लगातार सबसे बड़ी जो चिंता की बात बनी हुई है वहाँ पर, वो लगातार उसमें वायु गुणवत्ता में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और वायु गुणवत्ता में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। AQI बहुत ख़राब दर्ज किया गया है। AQI 0 से 50 के बीच में अच्छा माना जाता है, जिस तरह से हम आपको बता रहे थे एक दिन भी कि किस तरह का मौसम है। तो दिल्ली में जो आव हवा इस वक्त बनी हुई है वो काफ़ी ख़राब है और उसकी वही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि कम से कम प्रदेश में भले ही बर्फ अभी पड़ ना रही हो, हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पड़ रही थी, लेकिन धूप अच्छी खिली हुई है जो दिल्ली में देखने को नहीं मिल रही है। और आप बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बिंदिया ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। अरब भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं शिलाई से, सिरमौर से, और उनका हम स्वागत करते हैं। घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। धोलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी स्वागत हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में करते हैं। बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। तो मौसम में आज जिस तरह का हमने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम 22 तक साफ बना रहेगा और सोलन की यह तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और सूर्य का उदय अब बाईपास पर भी हो गया है और तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। और सोलन में अधिकतम तापमान जिस तरह का हमने बताया कि 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो दिन के समय थोड़ा जो धूप है वो काफ़ी तेज़ सोलन में खिल रही है। और मानसिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं जो डकरियाणा के मार्ग को जानकारी हमेशा देते हैं, और चंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी में से जुड़े सभी दर्शकों का इस वक्त स्वागत है। सोलन की ये तस्वीरें हम आपको बता रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम आज रहने वाला है, तो मौसम में कोई बदलाव आज देखने को नहीं मिलेगा। राजवीर सिंह जी हमारे साथ आज जुड़े हैं और बड़े दिनों बाद राजवीर जी का कमेंट हमें मिला है और पंजाब की ये जानकारी हमें देते हैं, क्योंकि लगातार इनके कमेंट आते रहते हैं तो हमारे को पहचान भी थोड़ी थोड़ी अब अपने दर्शकों की होगी जिनके नियमित रूप से हमें कमेंट मिलते रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनके साथ हम हमारा एक अपनत्व सा लगा हो। और इसी तरह का राजवीर जी हमारे साथ काफ़ी दिनों बाद जुड़े हैं तो हमें लगा कि, और सुभाष पुंडीर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 22 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, मौसम में कोई बदलाव अब देखने को नहीं मिलेगा फिलहाल 22 नवंबर तक। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में और जो हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर पहाड़ों की तुलना में ज़्यादा ठंड अब पड़ रही है। अतुल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रघुवंशी सुनील पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका हम स्वागत करते हैं। दीपक ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि दीपक ठाकुर जी का भी स्वागत है और दीपक ठाकुर जी हमें करसो की जानकारी देते हैं कि किस तरह का वहाँ पर मौसम रहने वाला है। और जिन दर्शकों के कमेंट को हम नहीं पढ़ पाए, उनके नाम नहीं ले पाए, तो उनसे हम माफ़ी भी चाहेंगे, क्योंकि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि सभी दर्शकों को नामों को हम पढ़ें, लेकिन कई बार अब जल्दी जल्दी कमेंट आते रहते हैं तो नाम ऊपर चले जाते हैं, जिसके कारण थोड़ी दिक्कत हमें आती है। लेकिन कोशिश करते हैं कि सबके नाम हम पढ़ें, क्योंकि आप लोगों के जिस तरह से हमें कमेंट के माध्यम से संदेश मिलते हैं, जिस तरह से आप लोग हमारे साथ सुबह के समय जुड़ते हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं और यही हमें हमारे उत्साह को भी बढ़ाता है ताकि हम आपको मौसम की जो अपडेट है उसकी जानकारी दे सकें। हालांकि आप लोगों के पास मौसम की अपडेट वैसे रहती है, और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हम बात कर रहे थे कि मैदानी जो नीचे हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर पहाड़ों की तुलना में ज़्यादा ठंड पड़ रही है, क्योंकि आंकड़े भी इस बात का को बता रहे हैं। जिस तरह से शिमला का न्यूनतम तापमान, ओम प्रकाश जी मनाली से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और जिस तरह से शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 9, लुकिंदर प्रोस्टा जी चौपाल से जुड़े हैं उनका स्वागत है। रीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो समय पर अपडेट देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी जो आप लोग हमारे साथ सवेरे सवेरे मौसम के इस बुलेटिन में जुड़ते हैं।
और शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 9.3 है और ऊना का 9 डिग्री सेल्सियस है और सोलन का न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और मंडी का तो इससे भी कम है। तो कुल मिलाकर शिमला की तुलना में जो निचले हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है सुबह और शाम। और अधिकतम शहरों का जो अब अधिकतम तापमान है अब 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है। ऊना के अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास अब ऊना का तापमान आ गया है, वहां पर अब ठंड पड़नी शुरू होगी धीरे धीरे दिन के समय में भी। और सोलन का यदि बात करें अधिकतम तापमान की तो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। दिन के समय थोड़ी धूप भले ही थोड़ी तेज है लेकिन शाम और सुबह के वक्त सोलन में इस वक्त ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश की यही स्थिति इस वक्त देखने को मिली है और एडवोकेट ओम दत्त शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज मौसम में की अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश में 22 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा और मुजामिल बशीर जी ने जैसे बताया है कि 26 नवंबर तक कश्मीर में मौसम साफ रहेगा तो हिमाचल प्रदेश में 22 नवंबर तक बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की कोई संभावना नहीं है। लेकिन पहाड़ों की तुलना में निचले और मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड पड़ रही है क्योंकि न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। पहाड़ों में दिन के समय अच्छी धूप खिली रहती तो उसका असर हो सकता है कहीं ना कहीं न्यूनतम तापमान वहाँ का थोड़ा बड़ा हुआ हो रहा हो, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही, देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। एडवोकेट ओम दत्त शर्मा जी हमारे साथ सिरमौर से जुड़े हैं और सिरमौर में भी मौसम आज साफ रहेगा और 22 नवंबर तक इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहने की इस वक्त संभावना और पूर्वानुमान जिस तरह से मौसम विभाग ने लगाया है कि मौसम में अभी फिलहाल बदलाव देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ठंड अब बढ़ती जाएगी इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार तापमान में पारा नीचे लुढ़क रहा है और अब धीरे धीरे कोहरा पड़ना भी अब शुरू हो गया है। तो ठंड से आप लोग भी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, बचाव रखें और आपका दिन शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है और धन्यवाद जी।